आज के इस वीडियो का विषय है उपनिषदों का दर्शन, क्योंकि मैंने ये भारतीय दर्शन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई पुस्तक से उठाया है। तो उपनिषद जो है क्या है, पहली बात तो उपनिषद क्या है, फिर इनके अंदर क्या है, फिर इनका उद्देश्य क्या है, और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में इन उपनिषदों का ज्ञान जो है वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, इसका हम आज पता लगाने का प्रयास करेंगे। उपनिषद हमारा विषय, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है और इसलिए इनको वेद अंत की संज्ञा दी गई है, वेदांत कहा गया है, वेदांत, ये वेदांत। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि ये जो है एक तरह से सारांश, वेदों के सारांश, इनके अंदर पूरी वैदिक शिक्षा का सार। उपनिषदें न्यू के रूप में जिनके ऊपर बहुत से भारतीय अर्वाचीन दर्शन शास्त्रों और धार्मिक संप्रदायों के भवन खड़े हैं। अर्वाचीन मतलब मॉडर्न, जो मॉडर्न फिलॉसफी है, बहुत सारे मॉडर्न फिलॉसफी के सिद्धांत जो है वो इन्हीं उपनिषदों से निकले हैं। तो ठीक है, देखते हैं कैसे रिकॉर्डिंग हुई।